जिंदगी गुजर गई शीतड़े टाकते टाकते। के बाद तो हो ही जाओगे मुर्दे। यानी कि तुम ये स्टूल नहीं खिसकाओगे? बिल्कुल नहीं। एक काम करो। अरे फिर काम करो, ये रस्सी में गले में डाल लेता हूँ, तुम मुझे खिसका दो। अरे यार ये कैसा आदमी है, तुम आत्महत्या करने आए हो या मेरे हाथों हत्या करवाने आए हो? ये तो सोचने वाला पॉइंट है। तो बैठ के सोचो। हाँ भाई, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो, क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त को हर काम में कंपनी दे, उसका साथ दे। मतलब? अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह क्या दोस्ती के इम्तिहान है। चलिए मैं लटकने को तैयार हूँ, मगर दोस्त को लटकाने वाला भी दोस्त नहीं हुआ करता है मेरे दोस्त। अरे वाह, तुम कमाल की बातें करते हो यार। तुम काम क्या करते हो? मैं बस वो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ और कपड़ों को सिया करता हूँ। बहुत चलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी। क्या है, मैं फेंकता हूँ बहुत। अच्छा। बड़ा आदमी हो ना। हाँ वो तो जाहिर है। तो जितनी भी आइंदा से बकवास किया करूं, जो भी एंड फंड शंट पका करूं, जो भी बात किया करूं, तुम उसका रफू कर देना। मगर ये खुदकुशी? कैंसर। अरे मुबारक हो, उठो। चलो उठो मियां। दोस्त, ये मेरा घर है, आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे। बड़ा शानदार घर है, ऐसा घर हमने अपने बचपने में बायोस्कोप में देखा था। क्या यार, ये घर मैंने अपनी जवानी में बनाया है और तुम कह रहे हो कि तुमने अपने बचपने में देखा था? अब ठोकने की भी कोई हद होती है मियाँ? नहीं वैसे कुछ हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, ये तो खाना नहीं खाया ना तो भूखमरी की वजह से ऐसी हालत हो गई है। अरे यार।
आओ सीधे चलो सीधे सीधे बाबूलाल। अरे शेर जी। जी मालिक। आया मालिक। मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त आए, इनकी खातिर करो। खाना तैयार है? खाना तैयार है जी। हाँ दो हो गए। खाने से पहले एक बैग लार्ज स्मॉल। नहीं नहीं मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। नहीं पीना। नहीं नहीं मैं नहीं। खाना खाना। अच्छा। आयो आयो मालिक। इस तरफ। किधर? इस तरफ आइए। आयो आ जाओ मेरे गरीब दोस्त, इधर से आ जाओ। इधर से नहीं मेरे दोस्त हो ना, कूदो। नहीं मैं वहां से आता हूँ ना। पपी ले लूं? नहीं पपी नहीं, मैं आता हूँ। पपी नहीं, इतनी पपी तो मेरी माँ ने भी नहीं ली थी। चलो ये चिकन ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो एक बार रसमलाई खाओ। थोड़ी सी मेरे हाथ से। मीठा हो गया। दाल भी होगी? दाल एक मिनट, ये रसमलाई के चम्मच में दाल पियो, बहुत अच्छा रहेगा दोस्त। अंडा खाओगे? वो चिकन छोड़ दो, चिकन छोड़ दो। चिकन छोड़ चिकन अच्छा है। नहीं अंडा खाओ। ये चाटो केक। अभी जूस पियो, जूस पियो। अभी एक मिनट एक मिनट, चिकन लू एक मिनट ये के लिए एटेबल मैनर्स बोलते हैं इसको। चिकन खाऊं? नूडल्स। You must have noodles. ये घास? घास नहीं है, वो नूडल्स। मेरे गरीब दोस्त तू नूडल्स ले। खराब है? खराब है? थोड़ा और खा, टेस्ट डेवलप करो, टेस्ट डेवलप करो। रोटी ये इसको उठा खा, उठा के खा, ऐसा उठा उठा के खाओ। बरसात के केचुए लग रहे हैं। केला खाओ। ये खाना हजम होने के लिए केला। ये एक मिनट मैं थोड़ा और देना खाने। यू मस्ट टेक दिस। अरे वो मुंह पोछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। क्या करता है? कुछ होएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेट साफ हो जाएगा सवेरे सवेरे। मेरे गरीब दोस्त ये कितने दिनों बाद खा रहा हूं। बस भर गया? ना नहीं नहीं कसम से नहीं। ईमान से भर गया? नहीं भर गया। हाँ भर गया। क्या कहाँ? मेरे कमरे में मेरे दोस्त। मैं जाता हूँ ना मेरे घर। हमारे यहाँ आप आए, हमारे यहाँ आप सोएंगे। आपने आइए हमारी ऊपर से जाऊँ? ये जान बचाइए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आओ हम यहाँ सोएंगे। यहाँ सोएंगे। यहाँ कहा मेरे दोस्त? मैं तुम्हें इससे भी ऊंची जगह पे सुलाऊं। नहीं नहीं वहां से हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये जगह अच्छी, हम यहीं सो जाते हैं। यहाँ सो जाते हैं ना। कपड़े उतारो। नहीं नहीं क्या करें, ढंग के कपड़े पहन के सो मेरे भाई। ओ नहीं उसमें हमें नींद नहीं आएगी। दरअसल क्या है, हम अपने चमड़े में जीते हैं और अपने कपड़े में सोते हैं। निहायत ही खुददार, नमक हलाल और लावारिस टाइप के आदमी हो मेरे दोस्त। चलो सो जाओ मिस्टर नटवर लाल, जब सवेरे उठोगे तो मुकद्दर के सिकंदर बन के उठना। गुड नाइट, शब खैर।
आप कहाँ सो रहे हैं? तेरे कदमों में मेरे यार। सब बखैर। केपी की जान बचाई है कोई? चलो सो जाओ। अरे बाप रे, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है यार? हवा यार मैं नीचे किस हो गया? ये बदबू क्यों आ रही है बिस्तर में से? अरे किसने? आपकी जान बचाई है। अरे क्या तमीज है, शराफत का नाजायज फायदा उठा लेता है। चलो निकालो। आदमी साले मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे गरीब दोस्त, कहाँ हो यार? चलो मेरे साथ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्यों, खिला पिला के लाप मारने को दूसरा नहीं मिला क्या? कैसी बात कर रहे हो? मुझ जैसे दोस्त बात मार सकते हैं, मगर कभी लात नहीं मार सकते। आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे पहुंचाना भाई। चलो मेरे। अरे मैं तुम्हें मेरे साथ चलना। अरे मुझे ये पहुंचाना यार। नहीं ये क्या है? ये मेरी तकदीर है। ये ऐसी फटी हुई तकदीर? फेंको इसे। आज से तुम्हारी तकदीर ये मर्सिडीज। अरे क्या हुआ? चक्कर आ गया? खाना नहीं खाया होगा ना? मेरा गरीब दोस्त, मैं खाना खिलाऊंगा तुम्हें। इज्जत, ऐसी इज्जत इस बार मिलेगी कि तुम भी याद करोगे। अभी जाऊं? चलो भाई। मेरी पोटली मेरे गरीब दोस्त, मेरे भाई। अरे साहब जी, वो मेरी वो अम्मा गठरी को छोड़ो। वो क्या कहते हैं कि तेरी गठरी पर लगा कुत्ता मुसाफिर जाग गया। आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार से नहीं आ रहे हो इसीलिए खींच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो मेरे गरीब दोस्त? मैं सोच रहा हूँ कि अभी कितने प्यार से पेश आ रहे हैं आप, और सुबह मुझे नफरत से लात मार के बाहर निकाल देंगे। तुम्हें गलत फहमी हो गई है मेरे भाई। मैं सिर्फ अपने दुश्मनों को लात मारता हूँ, दोस्तों को नहीं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं पीता। पाल ले कोई रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। तू मुझे दोस्ती का वास्ता देकर, मैं जानता हूं तू सुबह मुझे लात मार कर निकालेगा। ये कहां गया? हद हो गई। निहायत ही आजाद बैराग किस्म के कोहिनूर लगते हो यार। उड़न खटोले में लेट जाओ गोपी, गोपी? सुबह उठना तो राम और श्याम बन के उठना।
ले जाओ मेरे यार। आप कहाँ सोएंगे? आपके कदमों में मेरे गरीब दोस्त, आपके पैरों के नीचे, आपके चप्पल के पास। ओके चाहे कोई मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ऊपर नहीं मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे फयाज, गोविंद, गुलाम हसन भाई, संतोष, परवीन, हमीद, जल्दी आओ। हेलो, ये पकड़ो, रात के उठने से पहले ये सब गटर में जाके फेंक दो। एक बाटली घर में नहीं चाहिए। सब जल्दी निकलो, जल्दी चलो। हाँ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। ये आप हमें कहाँ ले आए? ये अपनी ऑफिस है। अच्छा, बहुत दिनों बाद आए ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहे हैं। इन्हें पहचानिए, ये है आपकी मेरी आंटी। गुड मॉर्निंग केपी सर। मेरी आंटी। अरे क्या मेरी आंटी, क्या पुराना घिसेला रिकॉर्ड के माफिक खनन खनन करता है। हा? क्या करेगा केपी साहब, बहुत इलाज किया, पैसा भी खलास हुआ, पर ये बीमारी खलास होने का नामच नहीं लेता मैन। एक काम कर, इसको डालो डॉक्टर के मुंह में, और तुम्हारे मुंह में वो डालो जो ये डॉक्टर बोल रहे। क्या बाबा? थोड़ा ब्रांडी, उसमें अंडा, एक चम्मच जाने का जगह होना मांगता है काय को हिलाने के लिए। एक फजर में डायरेक्ट एक नाइट में खलास। कौन खलास? बीमारी, बीमार नहीं। मास्टर जी, डोज दे डालो। थैंक यू। डोज? ये डॉक्टर ब्रांडी, इतना सुबह उठने से पहले और इतना रात को सोने के बाद। खलास। सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद। लेकिन आदमी नसीब से बड़ा बनता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये है मिस्टर दीपक बजाज। ऑलराइट, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। प्रोफेसर वर्मा ने भेजा आपको? जी सर। तशरीफ रखिए मिस्टर दीपक बजाज। मास्टर जी हटिए। मिस्टर दीपक, आप शराब पीते हैं? जी। डू यू ड्रिंक? जी नहीं सर। वजह? सर मैंने सुना है शराब वो लोग पीते हैं जिनकी जिंदगी में जीने के लिए कोई खूबसूरत मकसद ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप सिगरेट पीते हैं? जी नहीं। चलो वेरी गुड। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी नहीं सर, मैंने शादी की है। यानी कि बाकी सब लफड़े पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वेरी गुड। वाह, क्या सात्विक चेहरा है भाई तुम्हारा। मास्टर जी, जी
मिस्टर दीपक आज से केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नहीं, उसके तो मिस्टर लाली, लाली है को बहुत लाली चढ़ गई है, उसको थोड़ी सी गाली पड़नी चाहिए और मिस्टर दीपक का प्रकाश फैले। अच्छा। आज से इनको 1,00,000 रुपया महीना और रहने के लिए बंगला और बाकी एक कार खड़ी है, और कभी भी ये फैमिली के साथ घूमना चाहे तो ये बाहर जा सकते हैं। मगर मास्टर जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी शान में तब्दीली कैसे हो गई भाई? साहब, ऐसी जज्बात में बैगे 1,00,000 रुपया नहीं, 25,000 रुपया, और फिर वो आपकी काबिलियत देकर 1,00,000 रुपया हो जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, मुबारक। मिस्टर दीपक, यू आर वेरी डिसेंट मैन, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, नाइस मीटिंग यू। तो अर्ज किया है कि मोहब्बत को समझना है अगर, मोहब्बत को समझना है अगर, तो दरिया में कूदा कर, क्योंकि किनारे पे उखड़ू बैठने से अंदाजे तूफान नहीं होता। अम्मा लाहौल वाला कुआं। जी जी जी, चलिए चलिए। वजन में लफड़ा था क्या? आज के लिए इतना काफी है। येर की टांग तोड़ दी। ये क्या, दरवाजा तो नॉक करना चाहिए था, देख नहीं रहे कि हम जरूरी मीटिंग में थे? अम्मा, दो दो दोस्तों से क्या पड़ता, मैंने ऐसी कई सुंदरियां सैकड़ों बार आपकी गोद में देखी है। मैं आपका कैरेक्टर जानता हूँ, आप मेरा कैरेक्टर जानते हैं। केपी साहब कह रहे थे कि पगार 1,00,000 तक हो सकती है। क्या, मेरी पगार 1,00,000 रुपया? अरे सुंदरी, और करीब आओ। अरे लाली साहब, अरे धकेलिए सुंदरी को, मैनेजर की पोस्ट के लिए दीपक बजाज को रख लिया है, पगार उसकी 1,00,000 हो सकती है, आपकी नहीं। क्या? 1,00,000 रुपया पगार उसकी, सारी जिंदगी चमचागिरी की मैंने, अगर उसकी ईमानदारी की कीमत 1,00,000 रुपया हो सकती है तो मेरी बेईमानी की कीमत क्या होगी, ये वो सोच भी नहीं सकता। रामा रामा। बहरहाल हुआ यूं कि शिमला में मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक बर्फीले टीले पर खड़ा कुछ फेंक रहा था और सर्दी गजब की पड़ रही थी, यानी कि इतनी कि मेरे मुंह से बात निकली और हवा में जम गई। भाई केपी साहब, हम आपकी शराब पी रहे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ आप कुछ भी ठोकते रहो, हम सुनते रहे। केपी साहब, भाई साहब, क्या आप हमें उल्लू का पट्टा समझते हैं? आपको कैसे मालूम? नहीं, मेरा मतलब है आप क्या सोचते हैं कि मैं ठोकता हूं? आप लोग समझते हैं कि मैं फेंकता हूं? मास्टर जी, अरे भाई, हम बताते हैं कि असलियत क्या है। आपने सुना होगा कि सर्दियों में मुंह से भाप निकलती है, सुना है ना भाई? तो इनके मुंह से भी भाप निकली, भाप के साथ बात निकली, सर्दी ज्यादा थी तो भाप जमी, तो बात के साथ भाप जमी। अरे भाई, थोड़ा कम फेंक, बहुत फेंक रहा है। तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको भोपाल के जंगलों का किस्सा सुनाता हूँ। क्या वहाँ भी बात जम गई? नहीं, जंगल में बात क्यों जमेगी भाई, वहाँ पर मैं शिकार करने गया था। कर? तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ कि मैं और मेरे चंद साथी थे और हम लोग शिकार कर रहे थे और आदमखोर शेर लेटा हुआ था। अब मेरी नजर शेर पे पड़ी, मैंने उठाई अपनी बंदूक और दाग दी गोली शेर पे। अब शेर भी साला स्मार्ट था, शेर भाग रहा है, मेरी गोली भी पीछे भाग रही है, शेर आगे आगे, गोली पीछे पीछे। शेर ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाएं मुड़ जाऊं, वो दाएं मुड़ गया। अब गोली भी मेरी थी, गोली भी दाएं मुड़ गई। हाँ, अब शेर भाग रहा है, गोली भी भाग रही, शेर बाएं मुड़ गया तो गोली भी बाएं मुड़ गई। तो शेर टेंशन में आ गया,
अब शेर छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गया, गोली भी छलांग मार के पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे। अरे यार मास्टर जी, जब फटे तो सीना जरा शेर को मरने तो दो यार। हाँ तो कहा जाए, शेर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल, गोली भी शेर डाल डाल, गोली पात पात। अब शेर इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, कूद रहा है, और गोली भी कूद रही है। मेरी गोली थी, कूद रही थी वो अपना। अब शेर पोपट की तरह टेंशन में आके बैठ गया कि ये गोली का चक्कर क्या है, आखिर किसने मारी। अब गोली भी सामने खड़ी है कि मैं तो लगूंगी। शेर ने तुरंत कुछ सोचा और देखा कि सामने खड्डा है, तो खड्डे में कूद गया, गोली भी खड्डे में कूद गई, और तब जाके गोली लगी है और शेर मरा है। लाहौल विला को राम राम, अरे बाप, ऐसी बंडलबाजी पहले कभी नहीं सुनी। आप लोग समझ रहे हैं, फिर से फेंक रहा हूं। फेंक रहे हैं आप मास्टर जी? क्या है यार, आवाज तक नहीं निकल रही है। देख भाई, मैं छोटा मोटा रफू करने वाला हूँ, थोड़ा सा फटे तो सी लेता हूँ, मगर तुमने तो कपड़ा फाड़ के छीतड़ा कर दिया, मेरा बाप नहीं जी सकता उसको, ये अपने बस की बात नहीं। यार मास्टर जी, अरे लानत भेजो हट। अरे यार आपने तो सर यहाँ बेइज्जती करा दी मेरी। भाइयों माफ करना, आज थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं चलता हूँ। आप लोगों ने जिस हौसला अफजाई से मुझे झेला है, अल्फाज नहीं है भाई। जल्दी आ जाओ भाई। कौन गिरा? मैं गिरा। तो मैं समझा मैं गिरा। नहीं नहीं, आप कैसे गिर सकते हैं, आपने शराब थोड़ी पी थी, आपने तो सिर्फ गिलास थामा था, पी तो हम रहे थे। इतना मत पिया करो मास्टर। हाँ मैं हम मत पिया करो मास्टर जी, आज हम लोग इस मोटरसाइकिल पर सवार नहीं करेंगे। बॉस ये अपन का बाइक है। हाँ। तो क्या हो गया, आप इनको हमारी मर्सिडीज की चाबी दीजिए। इस फटफटिया के बदले ये मर्सिडीज दीजिए। आज इस मोहल्ले में आना जाना बंद। वो क्यों? अरे कल किसी का झोपड़ा पसंद आ जाएगा तो आप कहेंगे मेरा बंगला रख ले, अपना झोपड़ा मुझे दे दे। जहां रहेगा अपनी रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का मास्टर अपना मकान नहीं होता। वाह 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 वाह। ये मेरा एड्रेस है, और इतना याद रख के तू सिर्फ एक रात का शंशा है, कल सुबह जब उतरेगी ना तो गाड़ी लाके साहब के घर पे छोड़ देना, और अपनी फट फटिया आके ले जाना अगर बची तो। मास्टर we are already late. I'm coming, coming, coming. लाना 420। बैठो भैया। नहीं एक तो वैसे इसका नंबर खराब है, और हमको डर लग रहा है, सुना है फटफड़ी पे पीछने बैठने वाला पहले मर जाता है। सही सुना है। हा? अब बताइए आपको ये मजा मिलता है मर्सिडीज में? इससे ज्यादा मजा तो साइकिल पे मिल जाता मियां। इंशाल्लाह अगली बार साइकिल पे चलेंगे। सामने देखिए दो फटफटियां आ रही हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपको चढ़ गई है वो दो फटफड़ी नहीं बल्कि एक टेम्पो है। अरे मियां हमने भी बचपने में अंधेरे में बहुत घोड़ा गाड़ियां चलाई हैं। लानत है आपके बचपने पर मियां। क्यों लानत है मियां? अरे लानत है, समझिए। अरे रोको 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 रोको, क्या हो गया हुजूर? अरे घबराहट में हमें छोटा बाथरूम आ गया है। मैदान हाजिर है, गंदा कीजिए। गंदा? अभी आए भाई। ओह बहुत सॉरी। तो लौट आइएगा।
एक मिनट भाई, हाथ बहुत जोर से, उफ, अरे निकलना जाए। फट रहा था बिल्कुल। लाहो बला कुवत। अरे भाई हल्के हो गए, चलो मियां चलो। हद है हल्के पने की। क्यों, पैसे है या तू? अरे है ना, बहुत ने। साइकिल की सवारी का शौक था ना? मेरे बहुत। ये खरीदिए और घर आ जाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अभी हम आपके साथ चलेंगे। अब आप हमारे साथ उठने बैठने के काबिल नहीं रहे मास्टर। क्यों, अचानक हमारी काबिलियत में क्या फर्क आ गया भाई? छोटा बाथरूम जो है वो कमीज के नहीं पतलून के बटन खोल के किया जाता है। अरे मालूम है मियाँ, हमने भी तो पतलून के ही बटन। अरे लाहौल वाला कुव्वत, लानत है शराब पर और शराब पीने वाले पर। इंसान को अपने बटन तक का एड्रेस याद नहीं रहता। छूट मास्टर जी, हमारी वाली धोखा दे गई यार। नहीं हमारी वाली नहीं, इनकी वाली। आओ बटू आओ। नहीं सर, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, गाड़ी बिगड़ गई। बैठो बैठो। अरे हमारा बस चले तो हम अपने हर वर्कर को एक गाड़ी दे दें यार। फिलहाल लिफ्ट दे दीजिए, गाड़ी वाड़ी बाद में दीजिए, बैठ जाना यार। वैसे मास्टर जी अर्ज किया है, एक दिन तो हमारे देश का ऐसा जरूर आएगा जब यहाँ का हर वर्कर अपनी बीवी बच्चों को गड्डी में घुमाएगा। ख्याल बहुत अच्छा है, शेर बहुत घटिया है। हाँ भाई। थैंक यू सर। अरे कुछ नहीं है, अगर तकलीफ ना हो तो अंदर चलकर एक प्याला चाय हो जाए। चाय मियां, इस वक्त चाय? ये तो शाम की तौहीन के बराबर है यार। प्लीज सर, मास्टर जी समझाइए इसको। अरे छोड़ो ना, अपना आदमी, इसकी बात को क्या रफू करना। मियां आपकी चाय उधार रही है, पर फिर कभी। लेकिन अगली बार इनकार नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल कभी नहीं है। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ मास्टर जी, जरा निकालिए हल्के से। औरों के लिए गुनाह सही, बहुत अच्छे। हम पिए तो सवाब बनती है। बनती है। अरे सौ गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। केपी, जो तुम्हें भूल गया है उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है। वो मुझे याद नहीं आई मास्टर, नजर आ गई। उसके आज के दीदार ने मेरे कल के जख्मों को हरा कर दिया। मैं दर्द से तड़प उठा हूँ मास्टर, टूट कर प्यार किया था मैंने उससे। नहीं केपी, लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है। वो किसी और की हो सकती है, लेकिन मैंने तो किसी और को नहीं अपनाया। उसने किसी और का हाथ थाम लिया, लेकिन मैं तो आज भी उसकी तस्वीर की पूजा करता हूँ। ये पूजा होती है ऐसी है, कोई मूरत को पूछता है, कोई सीरत को पूछता है। केपी, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज पूछता हूं। क्या हुआ, क्या था? शक्तियों के झेलने को चाहिए पत्थर का दिल, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए।
मैं मैकेनिक था मास्टर। ओ शिट। अरे ये हीरो, अरे ये साला सचमुच का हीरो लगता है। सुनिए जरा प्लीज मेरी गाड़ी को देखिए, स्टार्ट नहीं हो रही है। किसकी नजर लग गई इसे, देखने में तो कमाल है। मैं तो इसे हमेशा आते जाते देखता हूँ। हाँ, ये तो आते जाते लड़कियों को देखता भी है। मैं सुनता भी हूँ। हाँ, ये तो सुनता भी है। लगता है आज की पार्टी तो गई। ओ नो, जरा स्टार्ट करके देखिए। ओ वाह, कितने पैसे हुए? मैं आपका पड़ोसी हूँ, कोई बेगाना नहीं। और अपने पड़ोसियों से भला कोई पैसे लेता है? पूजा इसके पैसे दे दे, वरना ये ऐसी वसूली करेगा कि तू जिंदगी भर याद करेगी। अरे चल हट। आप लोगों ने कुछ फरमाया? नहीं। इस शहर का क्या हुआ यार? आपकी गाड़ी फिर से बिगड़ गई क्या? नहीं, मैं घर जा रही थी। मगर आप अभी तक काम कर रहे हैं? क्या करें, हम गरीबों की जिंदगी खत्म हो जाती है मगर हमारे काम खत्म नहीं होते। मतलब आप पूरी रात सोएंगे नहीं? जी नहीं, मेरी नींद तो वो ले गया जिसकी ये बिगड़ी हुई कार है। अजीब सी बात है, जिसकी बिगड़ी है वो सोया है और बनाने वाला अपनी नींद गवा बैठा है। नसीब की बात है। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट, थैंक यू। छोड़ दूं। जी नहीं, शुक्रिया, बस आएगी मैं बस से चला जाऊंगा। हम आपके पड़ोसी हैं, कोई बेगाने नहीं। हम माफ कीजिए हुजूर, हम भी पड़ोसियों से पैसे नहीं लेते। बैठिए। वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। हे मिस्टर, जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो पीछे बैठते हैं, लेकिन जब कोई अपना चलाता है तो साथ में बैठते हैं। आ जाओ प्लीज। अरे ये क्या ममोलियों की तरह सीटी बजाते हो? और क्या करता, अगर तुम्हारा नाम लेके पुकारता तो तुमसे पहले तुम्हारा बाप नीचे उतर आता। कोई दूसरा तरीका नहीं है मुझे बुलाने का? है ना, मेरे दोस्त लोग बुलाते हैं, वैसे बुलाओ। कैसे? ए! तुम कोई अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते? You mean बाजा? बेशरम कहीं का बोला था म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने को,
सारी रात पुंगी बजाते रहो, पर मैं तेरे पास नहीं आने वाली। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बगैर कुछ बजाए बजाए मिल लिया करें। ये लो, आज के बाद तुम्हें मौत और गम बजाया करना। हाँ। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो, और हाँ अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। हाँ, हम जैसे लोग तो बंगले को जाली में से देखकर ही खुश हो जाते। ए, लेकिन लॉन अपना छोटा नहीं है, बड़ा होना चाहिए। पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद जब सोफा दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। हाँ, और जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ये ऊपर। माता। हाँ, लेकिन ऊपर अपना बेडरूम। और हुजूर, जब दरवाजा खोला तो जन्नत। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। कृष्णा, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। देखो पूजा, मैं गरीब आदमी हूं और मेरे माँ बाप भी नहीं। तो क्या हुआ? ना मेरा कोई सही कारोबार है और ना ही कोई पक्की नौकरी। तो क्या हुआ? ना मैं तुम्हें होटलों में ले जा सकता हूँ और ना ही अच्छा खाना खिला सकता हूँ। तो क्या हुआ? ना मेरे पास सर छुपाने के लिए छत है और ना ही, और ना घूमने के लिए गाड़ी। तो क्या हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने अगर इनकार कर दिया तो क्या हुआ? अरे बुद्धू, शादी मुझे करनी है या मेरे पापा को? आओ ना, ये रहा हमारा गरीब खाना। ये गरीब खाना? गरीब का कौन गरीब? तुम्हारा डैडी। बदतमीज, बदमाश। देखो, तुम्हें शरीफ बनकर बैठना है। जी हाँ। यू हैव टू इम्प्रेस माई फादर। ठीक है, ओके। ये पूजा, हाँ बाबू गड़क तो नहीं है ना? रामदीन। नमस्ते पापा। पापा, ये कृष्णा है। आओ कृष्णा, आओ आओ। वेलकम कृष्णा, वेलकम।
वेलकम टू माय हाउस। वाह, खुश रहो खुश रहो। पूजा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे पूजा, हाँ, कृष्णा का मुंह मीठा नहीं कराओगी? मैं अब भी आई। पापा, हाँ? आप चाय पियेंगे? जरूर, कृष्णा को हमारे बागान की चाय पिलाओ। अच्छा, आओ बेटा बैठो। कहाँ रहते हो बेटा? फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस में रहता हूँ, मगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना। कौन से कॉलेज में पढ़े हो? कॉलेज नहीं, मैंने भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा किया है। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री? जी, मैं मिनरल वाटर कंपनी में स्टॉक कीपर का काम करता हूँ, मगर मेरे काम से बहुत खुश है वो, बहुत जल्दी परमानेंट कर देंगे। और तुम्हारे माँ बाप? जी, मैं अनाथ हूँ। लेकिन पूजा अभी नादान है, मगर तुम में एक बड़े आदमी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये लीजिए, ये पूजा की माँ है, मेरे घर की लक्ष्मी। बेटा, ये 5 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरीब कहे। पूजा बेटी, मुझे तुम्हारी पसंद पसंद है। ओ पापा, यू आर ग्रेट। नहीं दयाल साहब, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि पूजा की शादी मुझसे हो सके, मगर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे दुनियादारी की आंखें दी। आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अच्छा पूजा, मैं चलता हूँ और उस वक्त लौट कर आऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फख्र महसूस होगा। बेटा, लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता दयाल साहब, मगर मुझे तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का मकसद हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कृष्णा, कृष्णा, सर मैं कृष्णा बोल रहा हूं। कृष्णा? ओ कृष्णा, कैसे हो? ठीक हूँ सर, पूजा से बात कर सकता हूँ? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए कि अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजम नहीं होता? और तिलक के लिए आप टाइम निकाल ही लेते हैं? तिलक लगाने से मेरे शांत मन को बड़ी शांति मिलती है पंडित जी। Thank you.
बेटी, माँ बाप जो कुछ भी करते हैं औलाद की खुशी के लिए करते हैं। इंसान जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाए जरूरी नहीं है बेटे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए नसीहतें और दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। इन्हें अपने आंचल में बांध लेना। अब तुम्हारे संस्कार ही मेरे सिर की पगड़ी है। अगर तुम्हें अपनी खोई हुई चीज अब नजर भी आए तो चेहरे से घूंघट उठाकर भी मत देखना। बस यही कहानी है मेरी। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। पूजा, क्या तुम जानती हो केपी साहब अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहते थे? लेकिन बेचारे करते भी क्या, कार्ड जो पहले बढ़ चुके थे। हाँ, पहले मैं भी नहीं जानता था कि केपी साहब ऐसे क्यों हैं, मगर बाद में पता चला कि वो तो एक मामूली मैकेनिक थे। एक अमीर बाप की खूबसूरत बेटी जिसके लिए वो करोड़पति बने। अरे एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया, जानती हो उनके घर का नाम क्या है? क्या? पूजा हाउस। 20 करोड़ हवेली की दाम उन्होंने 21 करोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि ऐसा घर चाहिए था। पूरे शहर में ऐसी हवेली नहीं है, और इसीलिए उन्होंने राजा साहब की हवेली खरीद ली। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो। बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद जब शॉफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। आओ पूजा चले। हाय मिस्टर दीपक। हेलो सर। हाय दीपक। हाय लाली। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? आइए मैं आपको पैलेस दिखाता हूँ। आइए आइए, रामा रामा, क्या पैलेस है। मैं एक्सक्यूज मी दीपक जी, मैं इनको पैलेस दिखा दूँ। आइए भाभी जी, आइए आइए। आ सुना है केपी साहब ने महल अपनी महबूबा की पसंद से बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए भाभी जी, उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई। रामा रामा। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, ऊपर जाके देखिए, बहुत सी कमाल की चीजें हैं देखने लायक। रामा रामा।
ताज के नीचे तो सिर्फ मुमताज है, लेकिन इस शीश महल में कई राज दफन है पूजा जी। घबराइए नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। रामा रामा पूजा पूजा। दीपक बाबू बाहर आपको ढूंढ रहे हैं। रामा रामा। अब मैंने कुछ नहीं देखा भाभी जी। रामा 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 रामा। पूजा, अरे तुम ऊपर थी, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। देख लिया महल? क्या हुआ पूजा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो। ये परेशान नहीं है, महल को देख के थोड़ी हैरान है। रामा रामा। आओ चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें केपी साहब से मिलाता हूँ। रामा रामा। सर आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी ना गवार गुजरी। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। जिंदगी की उम्र इनके दुश्मनों की कम हो, मैं तो कहता हूं भाइयों इस महफिल की उम्र भी इनको लग जाए। क्यों रामा रामा। पूजा, ए पूजा, अरे पगली, इसमें तेरा क्या कसूर था, तू क्यों रो रही। मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मास्टर मुझे इस बात का बहुत अफसोस, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। माफी? हाँ। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी, सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था, वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा।
तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरे ग्रह से तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और ये गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको, लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर देवता बन के भी हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो तो अकेले में। दीपक, तू मुझे अनगरजमंदों में से मत समझ। जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है, आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है। तुम मुझे अनगरजमंदों में से मत समझ। मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, समझे? क्या बात है लाली, ये सब क्या है? मिस्टर दीपक, आप पर चार्ज है, आपने केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लाखों रुपए का गबन किया है। व्हाट? मिस्टर दीपक, यू आर अंडर अरेस्ट। हुजूर, आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा कर दिया, दीपक को जेल भिजवा दिया। रामा रामा। हुजूर, आपसे एक बात कहना तो मैं भूल गया, उस दिन पार्टी वाले दिन दीपक की पत्नी मेल देखने आई थी,
आपके चैम्बर में घुसकर अपनी तस्वीरें देख रही थी। मैं अचानक वहां पर पहुंच गया, मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गया कि आपने मेरी जगह दीपक को क्यों दी थी। रामा रामा। समझदार हो। रामा रामा। हजूर, मैंने आपका नमक खाया है। आपकी ये बात मैं बाहर जाके किसी से कहने वाला थोड़ा ही हूँ। मैंने तो पूजा जी से भी कह दिया था कि डरो मत, मैंने कुछ नहीं देखा। रामा रामा। लाली, इस दुनिया में लोग मोहब्बत से सिर्फ मोहब्बत करते हैं, मगर शायद मैं दुनिया का पहला शख्स हूं जिसने अपनी पहली मोहब्बत से जंग का ऐलान कर दिया है। यस सर, आई विल डू। मिस्टर बजाज, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपको मैं कैसे समझाऊं। आपका केस बिल्कुल एक तरफा है, इसमें कोई दम नहीं है। आपके बेटे को सजा से कोई बचा नहीं सकता। बाबूजी, रो मत मेरे बच्चों। नसीब जब बिन मांगे कुछ देता है, बिना पूछे छीन भी लेता है। कृष्ण प्रसाद ने हमें जो कुछ दिया था वो ब्याज के साथ वसूल कर लिया। अब तुम ही बताओ कि जिस बच्चे ने चोरी से मां का दूध तक नहीं पिया, उस पर लाखों के फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया गया। बाबूजी, आपने कोर्ट में अपील की? कहां अपील करूं बेटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कायदे कानून हम गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि अमीरों की सहूलियत के लिए हैं। कोई फकीर मेरा केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं तो थक गया कानून को दुहाई देते देते। आज ही मैं उस टाइकून कृष्ण प्रसाद से जाके पूछूंगा कि हमें जलील करने के लिए तुम इतने मेहरबान हुए थे हम पे। केपी साहब, मैं आपसे अपने बेटे की रिहाई की भीख मांगने आया हूँ। कुछ एहसान तो आपने अपनी मर्जी से किए थे, कुछ मैं आपसे मांगने आया हूँ। कृष्ण प्रसाद मांगने वाले को सिर्फ भीख देता है, मगर तुम उन भिखारियों में से हो जो सिर्फ धुतकार के काबिल है। सच्चाई क्या है हुजूर, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिसे आप जैसा बड़ा आदमी मुजरिम कह दे, उसे बेकसूर कोई भी साबित नहीं कर सकता। आपके कहर ने मेरी कमर तोड़ दी है हुजूर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। ये जानते हुए भी कि उसने मुझे जलील किया, मेरी कंपनी में लाखों रुपए का गबन किया। कृष्ण प्रसाद इज्जत और दौलत दोनों को एक साथ गवा कर खुश रहने वालों में से नहीं है, समझे? रहम कीजिए मुझ पे, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे बूढ़े कंधों पे एक बदनामी का बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है। छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ, तुम अपनी बहू को मेरे पास भेज दो। कृष्ण प्रसाद, ये किसी गरीब की गर्दन नहीं है, एक टाइकून का गिरेबान है। उड़ा के बाहर फेंक दो इन्हें। कमीने! पहले मेरे बेटे को फंसा दिया, अब मुझसे मेरी बहू मांगता है। अबे मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी, और वो भी एक नीच और गिरा हुआ आदमी। मिट जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा तू, लोग थूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेजेंगे तेरी हस्ती पर। ये मेरी बद्दुआ है तेरे लिए, समझे? ये मेरा श्राप है तुझे, कृष्ण प्रसाद। वाह कृष्ण प्रसाद, वाह 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 वाह। आज मुझे पहली मरतबा पता चला कि इतने बड़े महल में रहने वाला शख्स इतना छोटा भी हो सकता है।
अरे जिस मोहब्बत को तो अपनी मोहब्बत के बल से हासिल ना कर सका, उस मोहब्बत को अपनी कायरता छल कपट से हासिल करना चाहता है। आज मुझे पता चला कि तेरे इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे एक शैतान एक भेड़िया रहता है। मास्टर चिल्ला मत, तू मोहब्बत में मिठा जरूर है मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू। बहुत ऊंचा फलसफा है और मैं यहाँ तेरी शरारतों को रफू करने आया था, तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदिया रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की। बाबूजी, क्या कहा कृष्ण प्रसाद ने? अरे कहेगा क्या, वो खुद दीपक को छुड़ाएगा। आखिर वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो समझता होगा कि बेटे पे हुए अन्याय बाप को किस तरह रुलाते हैं। उन्होंने कहा क्या बाबूजी? कहा ना वो छुड़ा देगा। बाबूजी, मेरे चेहरे पे घूंघट नहीं है, मैं आपकी आंखों में अपमान के आंसू देख रही हूँ। कोई ऐसी कड़वी बात अब सुनकर आए हैं जिसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे पा रही है। मुझे बताइए बाबूजी, पति के गम से ज्यादा गमगीन कोई बात नहीं हो सकती जिसे एक पत्नी सुन ना सके। मेरी बात तो सुनो बहू। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाबूजी, मगर ये नहीं समझ पाई कि कृष्ण प्रसाद मेरे पति को छोड़ना नहीं चाहते या आप उसे छुड़ाना नहीं चाहते। हाँ, मैं छुड़ाना नहीं चाहता। कोई बाप अपने बेटे की ऐसी रिहाई नहीं चाहेगा जिसके लिए उसे अपनी बहू के सम्मान को बेचना पड़े। बस बाबूजी, मुझे कृष्ण प्रसाद का संदेशा मिल गया। कृष्ण प्रसाद ने आपके बेटे की रिहाई के लिए बहू की जमानत मांगी है ना? नहीं बहू, तुम जोखर के बाहर कदम नहीं रखोगी। मेरा पति जेल में है बाबूजी, मैं मर्यादा के दायरे में खड़ी होकर अपने पति पे अत्याचार होते देख नहीं सकती। नहीं देख सकती मैं। बहू, मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारू? कंगन, ये मंगलसूत्र या फिर ये? क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम
तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे। मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था। अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। प्योर घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन। दीपक बाबू, जेल की रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मालूम था कि आप ज्यादा दिन जेल में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसकी धर्म पत्नी इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अर्पण सर्पण करके आकर आपको जेल से रिहा करवा लिया। हराम साधे, अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? पकड़नी है तो केपी साहब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी की तस्वीर है और वो हर रोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जाओ बालक जाओ। रामा रामा। राज को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग दे ही आई। नहीं बाबूजी, मैं अपनी सच्चाई के बूते रहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है।
नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। भरी पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देखता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उसे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन की लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का गरमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए। पति की गैर हाजिरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, तुम बच जाओगे। इससे पहले कि मैं अपने आप में से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा मेरी नजरों से, गिर आओ। दीपक, औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। पूजा, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह थी जो तुमने कृष्णा को भुला दिया? मैंने इसलिए भुला दिया क्योंकि मेरी शादी दीपक से हो गई थी। हाँ, लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों? प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी। हाँ, लेकिन उस प्यार की वजह से कई जिंदगियां खराब हो रही थी। मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं। कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पत्थर भी मेरी जगह होता तो वो भी राख बन जाता। लेकिन मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा। 5 साल हो गए, ना वो आया ना उसकी कोई खबर।
फिर मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेके परेशान हो गए। एक दिन कृष्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था मुझे भुला दो। तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खत्म हो गया। फिर लड़की तो होती ही है त्याग का जहर पीने के लिए। मुझे खुशी खुशी अपने माँ बाप के फैसले का जहर पीना पड़ा। तो क्या तुम्हें कृष्णा का दूसरा खत नहीं मिला? कौन सा दूसरा खत? कृष्णा ने मुझे कितने खत लिखे ये मैं नहीं जानती, लेकिन 5 साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला, वो भी मेरे डैडी ने मुझे दिया था। नमस्ते, मेरा नाम छबन मास्टर है, मैं रफूगर हूं। यहां क्या करने आए हो? हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूं, ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं, और उसके जिम्मेदार होते हैं आप जैसे दौलतमंद बाप जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कृष्णा और आपकी बेटी के टूटे हुए रिश्तों की बात कर रहा हूँ। कृष्णा ने आपको 2 खत लिखे थे ना, एक अपनी बर्बादी का, दूसरी अपनी कामयाबी का। बर्बादी का खत अपनी बेटी को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर वो कामयाबी का खत उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, जला डाला उसको? आपकी इसी जलील हरकत और कूट नीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब, आज से सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। जुर्म आपने किया और गुनहगार वो साबित हो गई आपकी वजह से। तो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं उस भीख मंगे को अपनी बेटी सौंप देता? कृष्णा ना आज गरीब है ना उस दिन गरीब था जिस दिन आपने अपनी बेटी को डोली में विदा किया था। एक आपकी नप रखने वाली निगाह ने पूजा को उसके पति और उसके प्रेमी दोनों की निगाह से गिरा दिया। ये नाती मुझे आपके विचारों, आपके ख्यालों, आपके बड़पन से। खामोश! तुम क्या मुझे यहाँ जलील करने आए हो? खुदा का शुक्र मनाओ कि आज बकरी ईद नहीं है, वरना कुर्बानी का जज्बा लेकर आता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि हमारे यहाँ हराम जानवरों की कुर्बानी मंजूर भी तो नहीं है, लानत है। धर्मदास, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मुझसे पूछते हो? तो महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्टरी उठाओ और के पन्ने खोलो। केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 40-50 नंबर होंगे और कहीं न कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेज्ड होगी तुम्हारी बेटी। बदमाश! कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है, मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख किसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तेरी नजर इसके घूमर तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है, इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा ने दे तख लिया।
आग। बेटी, बेटी ये क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी परवरिश फूलों में की थी, तुम कांटों में कैसे आ गई बेटी? जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी, माँ बाप नहीं। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूं, ये भी मेरा नसीब है। चल बेटी चल, मेरे साथ घर चल। बेटी का घर मायका नहीं, ससुराल होता है। और ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। बेटी, बंद हो गए तो क्या हुआ? तेरा बाप तो जिंदा है ना? मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ। शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है ठहरी, वो बड़ी बदनसीब होती है। बेटी, आखिर मेरा ये सब तेरा ही तो है। आपके सब कुछ से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी डैडी। जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो रहा नहीं। बेटी, मेरी डोली विदा करने के बाद आपका फर्ज पूरा हो चुका। अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा। और फिर मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, आपके लिए छोटी हो सकती हूं, दुनिया के लिए नहीं। दीपक मेरा पति है, उसके फैसले का सम्मान रखने के लिए मैंने घर छोड़ दिया। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो फिर भी ना माना तो उसका तलाक मैं खुद दूंगी, मांगूंगी नहीं। मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी, ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। दीनदयाल साहब, बच्चे जब तक माँ बाप की गोद से उतरते नहीं है तो चलना सीखते नहीं है। इन्हें चलना, चल के गिरना, गिर के संभलना, संभल के फिर चलना, इसका मौका दीजिए। ये आपकी औलाद है, आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, ये हक नहीं है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। आओ रफू मास्टर, आओ। कहो, कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया। तो कहो, यहां आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है, वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार, तो मैं क्या करूं? अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाए। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वास्ता देकर उसे शादी पर मजबूर किया, जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन, किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं,
पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। पूजा बेटी। जिस आदमी ने मेरी जग हसाई कराई उसी आदमी को मुझ पर हंसने के लिए बुलाकर लाए हो मास्टर। ना पूजा बेटी ना, तुम पर हंसने वालों को अल्लाह करे कयामत तक मुस्कुराहट नसीब न हो। बेटी मैं मानता हूँ कि आंधियां घरोंदों के तिनकों को बिखेर दिया करती हैं, मगर जो हमारे तिनकों को इकट्ठा करती हैं उनको आंधी नहीं कहते। मैंने आपसे सहारे की भीख नहीं मांगी थी मास्टर, मुझे अब किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी की पत्नी बनने के बाद तुम मेरे कंधे पे सर रख के रो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पूजा मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसू पोछने के लिए नहीं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। दरअसल मैं अपने दिल के किसी कोने में महसूस करता हूँ कि मेरा तुम्हें अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ, जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। हमारी गृहस्थी को गलत फहमी की आग लग चुकी है कृष्ण प्रसाद, और ये आग बड़ी बेरहम होती है, लगाने वाले को भी जला देती है और बुझाने वाले को भी। मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ मत जला, चले जाए यहाँ से। अब जलने के लिए बचा ही क्या है पूजा। गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। पूजा हमारे साथ आ पूजा। मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो, अब मुझे कोई गलत फहमी नहीं रही। तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिंदा सबूत है। दीपक, मेरे बाबूजी समझते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। घर की मान मर्यादा सब कुछ लुट गया। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया दीपक, दम तोड़ती हुई चिंगारी को हवा मत दो, जो कुछ बचा है वो भी खाक हो जाएगा। जिस मर्द की बीवी भागकर किसी और का हाथ थाम ले उसके पास आग से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है दीपक, ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि तू इसे पाने के लिए अमीर बना? क्या ये सच नहीं है कि बिना इंटरव्यू के नौकरी देने के साथ साथ गाड़ी और बंगला तूने इसकी वजह से दिया था? क्या ये सच नहीं है कि तेरी लाख कोशिश करने के बावजूद जब तू उसे खुलकर नहीं मिल सका तो तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया? अगर इतनी बातें सच हैं, तो तेरी मोहब्बत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ गलत नहीं है ये सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश थी, मगर मैं इसे पा ना सका। मेरे हालात गर्दिश में थे, तू खुश नसीब था इसे अनचाहे पा गया, मैं कम नसीब था चाहकर भी पा ना सका। हजारों हाथ आसमान की तरफ उठते हैं मगर दुआएं सबकी कबूल नहीं होती। तुम्हारे नसीब में इससे शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार। तेरा अधूरा प्यार मेरी शादी पर भारी है, यह अब भी तन मन से तेरी है। यह मेरे घर में थी, तू इसके दिल में था। दीपक चिल्लाना मत, गया तू इसकी तस्वीर को पूछते पूछते, जा इसकी पूजा कर। इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी, मेरे घर में कुलटाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दीपक गाली मत दो मुझे, हर युग में सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। मगर राम हर युग में चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावण की परछाई ना पड़े। किस परछाई की बात कर रहे हो तुम? जब सीता राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्ष्मण रेखा खींची जाती है,
जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी, जब मैं तुम्हारी हो गई तो कृष्णा को भुला दिया मैंने। तूने कि हर लड़की प्यार करती है, मैंने भी किया। तूने कि हर लड़की शादी करती है, मैंने भी की। अगर तुम दोनों अपनी जगह सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूं, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मगर तुम दोनों के कारण मेरी जिंदगी नर्क बन गई, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, ऐसे दोहराई पे लाके खड़ा कर दिया कि समझ में नहीं आता कि मेरी शुरुआत क्या थी और मेरा अंत क्या है। तेरी शुरुआत तेरा ये आशिक है और तेरा अंत तू खुद है। मेरे साथ बंधे रिश्ते की डोर टूट गई है, अब तू मेरे पीछे भी चलेगी तब भी तुझे पलट कर नहीं देखूंगा। दीपक, ये रिश्ते इतने आसानी से तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते। मेरी तरफ देख, मैं कृष्ण प्रसाद, कहने को तुम्हारा मालिक, भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो मैं भगवान से भी मांग सकता था, मगर मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ चिंता आ रहा है। देखो दीपक, मैं पागल हो सकता हूं क्योंकि मैंने प्यार किया है, मगर तुमने तो शादी की है, तुम्हें पूजा से ये बेरुखी शोभा नहीं देती। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा पूजा को मत दो, मेरे प्रायश्चित की ना सही, पूजा के सम्मान की तो लाज रखो। मैं तुम्हें इस तरह इसे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। दीपक चल हट। दीपक, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुझे रोक ना सकूं। तो रोक ले, रातें तू गुजारे और पति का नाम मैं दूं। दीपक, तूने पूजा के बारे में और तू मुझसे कहता है कि मैं इसके दिल में रहता हूं, कहां है वो इसका दिल जिसमें मैं रहता हूं। अरे ये पक्की हिंदुस्तानी है यार। हां, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब समझता है? कुछ भी, इसे देखता है, ये एक आंख से देखती है, बहुत सालिम है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखती। मैं इससे भी ज्यादा सालिम हूं। अरे पागल, अगर ये मुझसे प्यार करती तो चुप चुप के थोड़ी मिलती, एक रात में तुझे और तेरे घर वालों को लात मारकर केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन बन जाती, क्या कर लेता तू? मगर ये ऐसा नहीं करेगी, मालूम है क्यों? ये इंडिया है इंडिया, यहां पर औरत दीवार से तो गिर सकती है मगर अपने मयार से नहीं। यहां पर प्यार मोहब्बत तो एक बार लोग खुल के कर लेते हैं, मगर शादी ब्याह बड़ा सोच समझ के किया जाता है। जात पात, ऊंच नीच, पीढ़ी सीढ़ी, खानदान पानदान, संस्कार कार, बैंक बैलेंस, हंट बंट शंट, बाबा जी का घंट, सब देखा जाता है साला, मगर क्या फायदा? इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी क्योंकि मैं नौकर था, कहा कि मैं अपनी बराबरी वाले से शादी करवाऊंगा। क्या? मेरे नौकर से शादी कर दी बुड्ढे ने। आज पैसे और शोहरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं। क्या कर लिया मैंने? हाँ, ये सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बनाकर सजाना चाहता था, आज भी मेरे माथे पे मेरे नसीब की तरह सिमटी हुई। और तू कहता कि ये मुझसे प्यार करती है? ये सिर्फ तुझसे प्यार करती है। शंकर की जटाओं में उलझने के बावजूद गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है ये। मैं देख सकता हूं, तू नहीं देख सकता। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। विश्वास ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो पत्थर की मूर्ति को भगवान बना देता है। बोल, तू विश्वास करता है कि नहीं? कृष्णा, बोल, कृष्णा, तू करता है कि नहीं करता है? नहीं, नहीं? हे राम, कृष्णा,
है तुमने क्या किया? दुनिया सच्चाई का सबूत मांगती है, नहीं। और सच्चाई साबित करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। दीपक, मैंने पूजा को घर बुलाया था, मगर वो मेरी हवस नहीं थी, मेरा अहंकार था। तुम मुझे बुरा कह सकते हो, मगर गिरा हुआ नहीं। कृष्णा नाम है मेरा, काला, मगर तुम तो दीपक हो। अपनी रोशनी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो। दीपक, मर्यादा ही राम का दूसरा नाम है। अपनी हद से न गुजरे कोई इश्क में, जिसे जो मिलता है नसीब से मिलता है।